हेलो एवरीवन, सो आप लोग कैसे हैं? और मैं अभी जो मून का जो सीरीज कर रही थी वो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मून इन द थर्ड हाउस। तो देखिए, थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारे करेज को इंडिकेट करता है, आपके सिबलिंग्स को इंडिकेट करता है, ये नेबर का घर है और ये आपके कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट करता है। और ये आपके कभी मतलब ऐसा भी देखा गया है कि आपके जो ज्वेलरी ड्रेसिंग वगैरह का जो शौक है वो भी इस घर से इंडिकेट होता है। ये शॉर्ट ट्रेवल्स का भी घर है। तो जब एक इमोशनल प्लैनेट मून यहाँ पे बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देता है वो चलिए देखते हैं। तो मून जब थर्ड हाउस में आ जाए तो देखिए, मून हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। तो मून जैसा इमोशनल प्लैनेट जब थर्ड हाउस में बैठ जाएगा तो ऐसा होगा कि आप लोग एक्सेसिव ट्रैवल करना पसंद करेंगे। एक्सेसिव ट्रैवल मतलब आप लोग वीकेंड में ऐसा होगा कि चलो कोई शॉर्ट जर्नी पे चलते हैं और कहीं भी आसपास से घूम के आते हैं, ऐसे आप लोगों के मन में शौक होगा। और आप लोग कम्युनिकेशन जब भी करेंगे वो बहुत इमोशन देके करेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है आप अगर कोई स्टोरी नैरेट कर रहे हो किसी को तो वो बहुत इमोशन देके आप लोग नैरेट कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, पोएट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड हाउस राइटिंग का भी घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इमोशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो, इसकी वजह से आपकी राइटिंग स्किल भी यहाँ पे बहुत अच्छी देखी गई है। और थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी घर होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का मून थर्ड हाउस में है उनके सिबलिंग्स के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड आप अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ऐसा देखा गया है। और अगर आपके मतलब सिबलिंग्स के नंबर बहुत ही ज़्यादा है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक सिबलिंग के साथ आपके उतने गहरे बॉन्ड नहीं है, ऐसा भी कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा देखा गया है। वो डिपेंड करता है कि मून के ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है और मून किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, पर यहाँ पे मैं जनरल रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो और मून थर्ड हाउस में होने की वजह से ऐसा देखा गया है कि आप लोग मीडिया में बहुत ही अच्छा करते हैं, मतलब एज करियर मीडिया में आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मून एक ऐसा प्लैनेट है जो क्यूरियस प्लैनेट है, जो हमारे माइंड को इंडिकेट करता है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस पर्सनालिटी के होंगे, इसलिए आप लोग मीडिया जर्नलिज्म ये सब सेक्टर में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में जानने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आप अगर करियर में मीडिया या सेल्स पर्सन के हिसाब से भी आप लोग अगर देखें तो ये पोजीशन बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मून जो भी कुछ करता है वो बहुत इमोशन देके करता है और थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो एक बहुत ही अच्छी सेल्स पर्सन यहाँ से देखी जा सकती है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ अगर बेचने जाएगा तो ऐसा होगा कि वो बहुत इमोशन देके बेचेगा तो कस्टमर को खरीदने पे मजबूर हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। मतलब कोई भी अगर इंश्योरेंस एजेंट भी है और उनके अगर मून थर्ड हाउस में है तो ऐसा देखा गया है कि वो इंश्योरेंस तक भी बेच सकते हैं, जो कि आजकल के सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि मून अगर थर्ड हाउस में है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशन देके वो सेल करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सेल्स पर्सन की भी योग बनाते हैं। और देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो नेचुरली जोडियक साइन के हिसाब से अगर देखें तो थर्ड हाउस जेमिनी साइन होता है। जेमिनी मतलब थर्ड हाउस मिथुन का घर होता है, 3 नंबर मिथुन का साइन है। तो और आप लोग जानते ही होंगे, मतलब जो लोग थोड़े से भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि बुध और चंद्रमा का एक शत्रुता रिलेशन है। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी के साथ आपका रिलेशन थोड़ा
मतलब अप डाउन रिलेशन टाइप का रहेगा, मतलब खटास थोड़ा रहेगा आपके मम्मी के साथ रिलेशन में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उतना नर्चरिंग जो फील है वो मम्मी से नहीं मिला, आपको ये मतलब जो कमी है वो महसूस होगी, तो इसकी वजह से माँ के साथ रिलेशन में थोड़ा सा खटास देखा गया है। और अगर मून के ऊपर और भी बैड प्लैनेट्स की एस्पेक्ट हो या फिर मून कहीं से यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो गया हो तो फिर तो मम्मी के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो ये आपके नेटल चार्ट में देखना पड़ेगा। तो अदरवाइज मून अगर थर्ड हाउस में है तो यही जनरली देखा गया है कि आप लोग जब भी कम्युनिकेट करेंगे बहुत ही इमोशनली कम्युनिकेट करेंगे किसी के भी साथ, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, शातिर तो नहीं बोल सकती पर चालाक किस्म के होते हैं, तो मतलब ये अगर कोई गोल फिक्स कर ले कि मुझे ये करना है तो उसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं, मतलब फोकस अगर रहे वहाँ पे कि नहीं मुझे ये करना है तो ये देखा गया है कि वो लोग कामयाब भी होते हैं। थर्ड हाउस नेबर का भी होता है, इसीलिए ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का नेबर्स के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन ऑन मून इन द थर्ड हाउस, और इसके बाद मैं मून इन द फोर्थ फिफ्थ करके ट्वेल्थ तक भी डिस्कस करूँगी। और अभी जो सोसाइटी में हो रहा है मतलब कोरोना वायरस को लेके, तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जितना हो सके क्राउडेड प्लेस में मत जाइए, सेफ रहिए, और बेकार में इतना घबराइए मत, जो जो गवर्नमेंट से बताया जा रहा है कि साबुन से हाथ धोए, अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज़ करें, तो वो सब कीजिए जो जो बोला जा रहा है, और जितना हो सके घर पे रहिए, रहने की कोशिश कीजिए, एंड स्टे सेफ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।